वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ककड़ी और अंगूर की सब्जी। ये राजस्थानी डिश है वैसे तो, पर लेकिन ये और स्टेट में भी खूब आराम से खाई जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बनाते हैं अंगूर और ककड़ी की सब्जी। तो उसके लिए सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम, ये मैंने काजू लिए हैं 10-12 काजू डाल देंगे। थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं या मगज बोलते हैं जिन्हें, मगज लेंगे। और उसके लिए मैंने 2 बड़े टमाटर काट लिए हैं, उनको भी हम इसी में डाल देंगे। और इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। इधर हम इतने पेस्ट बनाएंगे। और ये मैंने ककड़ी ली है, ककड़ी को लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और उसके लिए अंगूर लिए हैं और कुछ मसाले। अभी सब्जी को बनाने के लिए मैंने एक गैस पर कढ़ाई रख ली है, इसमें हम देसी घी डालेंगे। इसके लिए मैंने 1/2 चम्मच जीरा, तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च साबुत, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 काली मिर्च, 1 इलायची हरे वाली, 2-3 लौंग ये मैंने ली हैं। सबसे पहले हम जीरा डाल देंगे। ये मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, इनको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ये मैंने काजू का और गिरी का और टमाटर का पेस्ट बना लिया है, इसको डाल देंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। अब हमारे इस मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें ये ककड़ी डाल दूंगी। गैस को थोड़ा सिम करूंगी। 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इसको 1-2 बार चलाएंगे। और मैं इसमें अब पानी डालूंगी 1/2 कप के आसपास। एक उबाल आने पर हम इसको ढक देंगे और करीब 5 मिनट इसको हम पकाएंगे। इसमें चेक कर लें, ककड़ी गल जाए तो आप इसमें अंगूर डाल दें। ये मैंने अंगूर डाल दिए हैं। अब मैं इसमें फ्रेश मलाई डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच डालूंगी मैं। 4 चम्मच डाले हैं बड़े। और हम इसको फिर से 3 से 4 मिनट पकाएंगे। इसको हम ढक देंगे। अब हम सबसे लास्ट में इसमें दालचीनी का पाउडर, इसको मैंने दालचीनी को पीस लिया है, सबसे लास्ट में हम इसे ही डालेंगे। और सब्जी हमारी अब तैयार है। मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली थी, आप चाहें तो इसमें अंदर मिर्च डाल सकती हैं। मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। गैस को मैं ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। इसमें मैंने ये देसी घी में लाल मिर्च थोड़ा सा भून लिया है।
अब हमारी ये अंगूर और ककड़ी की सब्जी तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।